हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अगेन, ब्लॉग्स विद यस, लाइफ इज ब्यूटीफुल। कैसे हो सब लोग? आई होप सब ठीक हो, हम लोग सारे ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विश यू अ वेरी हैप्पी बंगाली न्यू ईयर, शुभ नववर्ष। और बहुत बिजी रही लास्ट वीक, एक भी वीडियो मतलब मैंने नहीं छोड़ा, बिकॉज इतना बिजी शेड्यूल था। क्योंकि न्यू सेशन, बच्चे का न्यू सेशन शुरू होता है, मतलब पेरेंट्स का तो पूरा दिन उसी पे लग गया। जैसे कि न्यू बुक्स लेनी है, बैग लेनी है, बच्चे का यूनिफॉर्म लेनी है, तो मतलब पूरा दिन वही उसी पे। फिर न्यू बुक्स ले लिया तो उसका कवर चढ़ाओ, तो मतलब उसी पे लगी रही। तो इसीलिए ब्लॉग्स वगैरह डाला तो मतलब वो भूल ही गई थी मैं, और ऊपर से ऑफिस का काम होता है। तो हमारा जो न्यू ईयर था, बंगाली का न्यू ईयर, उसमें भी मतलब कहीं पे नहीं गई, घर पे थी, घर का काम किया बस। उस दिन ऑफिस भी था तो कोई छुट्टी नहीं ली, कुछ नहीं। सो बंगाली न्यू ईयर भी ऐसे ही मना लिया घर पे। सो मतलब कई बार ना लगता है यार कि हमारी जो यू नो कल्चर है, हम लोग उसको मतलब फॉलो नहीं कर रहे। कई बार होता है बहुत ख़राब भी लगता है, बट कुछ कर नहीं सकते, बिकॉज जब आप कहीं और रहते हो तो थोड़ा सा तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होती है। चलो इसको हम ओवरकम करेंगे, मे बी नेक्स्ट ईयर हम लोग अच्छे से मनाएंगे। बट एवरी ईयर ओनली हम मनाते, इस बार नहीं हुआ बिकॉज ड्यू टू द बिजी शेड्यूल। सो एनीवे सारी ठीक है घर पे। और प्रकृत देखो क्या कर रहा है, आपको मैं दिखाती हूँ। उसका न्यू सेशन हो गया शुरू और इसका तो स्टडीज़ भी शुरू हो गया, तो चलो देखते हैं क्या कर रहा है अभी। शोर शोर से हो रही है स्टडीज़, तो ये इसका साइंस का काम ड्रॉ किया इसने, ह्यूमन ब्रीदिंग सिस्टम, और आज क्या क्या ये स्केलेटल सिस्टम पता नहीं है जो भी उसने खुद ही किया है। ये अच्छा हुआ है, बहुत मुश्किल, एटलीस्ट यू ट्राई। और अभी आज है मंडे का दिन, तो हर हर महादेव। और अभी गए हैं मंडी, पता ही आपको मंडे को तो मंडी जाती है। एंड मैंने बोला राहुल को भी साथ में ले जाओ, बिकॉज इतना सामान होता है वो अकेले लेके आना बड़ा मुश्किल है। मैंने जैसे ही बोल दिया कि वाटरमेलन लेके आना, तो कहते इतना भारी सामान कौन उठा के ले आएगा। मैंने कहा चलो राहुल को ले जाओ, वो उठा के ले आएगा। तो इसलिए गया, बिकॉज वो भी ना बोर हो रहा है, बिकॉज इतने दिनों तक रहना आफ्टर एग्जाम, बोर्ड एग्जाम स्पेशली। जैसे हमारा बोर्ड एग्जाम्स होता था तो हम लोग नाना नानी के घर चले जाते थे, वहाँ पे काफ़ी टाइम स्पेंड कर लेते थे, बट यहाँ पे तो ऐसा होने वाला है नहीं। और पता ही आपको कोरोना फिर से बढ़ रहा है, तो इसीलिए मैं इतना बहुत रिस्की लगता है उसको भेजना भी।